नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर ये लिखा है कि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के आसपास जो दो देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने तेजी से अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना इज लीडिंग द वे एज न्यूक्लियर पावर्स एक्सपैंड आर्सेनल। भारत ने भी अपना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल थोड़ा सा बढ़ाया है, न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे थोड़े से बड़े हैं। और ये सब बाय द वे हमको पता लगा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से। आपने इसके बारे में सुना होगा, स्वीडन बेस्ड रिनाउंड थिंक टैंक है। ये लोग हर साल ये भी रिपोर्ट निकालते हैं कि कौन सा देश डिफेंस पर कितना खर्च करता है। तो इन्हीं की रिपोर्ट है कि चाइना ने एक रैपिड इंक्रीज किया है अपने न्यूक्लियर वेपन के नंबर पे। नाउ चाइना का नंबर क्या है, इंडिया कहां पर खड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स को रखने में, मेंटेन करने में खर्चा कितना आता है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जी आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एक यूएन मैंडेटेड डे है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका थीम क्या है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन हु पुट द किड्स एट वर्क, ऑप्शन बी चिल्ड्रन नीड हग नॉट वर्क, ऑप्शन सी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, या फिर ऑप्शन डी चाइल्ड लेबर इज इवल। कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पे आपके सामने डेटा है स्वीडन की रिपोर्ट का। एक बात नोट करिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ डिप्लॉयड वॉरहेड पर। डिप्लॉयड वॉरहेड का मतलब है कि एट द मोमेंट किस कंट्री ने कितने न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल रेडी कर रखे हैं लॉन्च के लिए, मतलब एक सेकंड में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है लॉन्च हो जाएंगे। आप देखोगे सिर्फ चार देश है जिन्होंने ये स्टेटस अपना रखा है। एक तो यूएसए, 1700 न्यूक्लियर वॉरहेड, 1770 न्यूक्लियर वॉरहेड बिल्कुल एक्टिव। इसके सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा रशिया, फिर यूके आपको मिलेगा, फिर फ्रांस है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ने। और मैं कहूँगा ये समझदारी है, क्योंकि कभी भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एशिया में हो गया, तीनों कंट्रीज का लॉस होगा। तो तीनों कंट्रीज ने एटलीस्ट ऑफिशियली तो ये बोल रखा है कि कोई न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय नहीं है। ठीक है, कल को अगर मान लो वॉर होती है या फिर अटैक होता है तब पहले वॉरहेड तैयार किया जाएगा, उसके बाद लॉन्च करेंगे ना। ये बात आपने नोटिस कर ली। अब हम बात करते हैं टोटल स्टॉकपाइल की, कि जी टोटल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज के समय ये कितने हैं किस कंट्री के पास। इसमें आप एक बात नोट करना, 2022 में चाइना के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड थे 350, अब ये 410 हो चुके हैं। एक मैसिव जंप आया है, चाइना ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे इंडिया, एक मिनिस्क्यूअल इंक्रीज, 160 था हमारा नंबर 2022 में, बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करके 164 हमने कर दिया है। पाकिस्तान का केस आप अगर देखो, टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड 165 थे, हमने इनके साथ गैप क्लोज करने की कोशिश करी, मगर तब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ भी इन्होंने अपना डिफेंस बजट उल्टा बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। और यहां पर भी आप देख लो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये आपको 170 के आसपास मिलेंगे। और एक बात नोट करना, बहुत कम कंट्रीज हैं, चाहे आप रशिया देख लो या फिर यूएसए देख लो, किसी ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए जितना चाइना ने किए हैं पिछले एक साल में। और अगर यहाँ पे आपका एक प्रश्न ये है, चलो चाइना ठीक है माना के इंक्रीज कर रहा है, मगर तब भी चाइना यूएसए से कितना पीछे है, चाइना के पास कितने कम न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू यूएसए। देखो ये जो एस्टिमेट्स हैं ये स्वीडन के हैं, और माना जाता है कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये बताते हैं चाइना के, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं यूजुअली चाइना की तरफ से इनके जो वेरियस सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहीं से आते हैं। जो यूएसए का एस्टिमेट है, अब अगेन देखो यूएसए में बहुत सारी एजेंसीज हैं, CIA है, DIA है, उसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, वेरियस जो यूएसए में डिफेंस रिलेटेड बॉडीज़ हैं, सबका अलग अनुमान है चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इसमें आप अगर नोटिस करो DOD को, मतलब के US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनका मानना यह है कि चाइना के जो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड हैं ये ऑलरेडी 500 के ऊपर जा चुके हैं। और इनका मानना यह भी है कि 2030 तक आप देखोगे चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, और उसके बाद अगले 5 सालों में ये जाएंगे सीधा 1500 पर। जी हाँ, यूएसए का अनुमान यह है कि बहुत ही जल्द चाइना के पास 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, और उसके बाद ये भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो अभी स्टेटस रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस का है, चाइना का भी हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। अब यहाँ पर आप कहोगे तो हम लोग पीछे क्यों बैठे हैं,
हमने टेस्ट कर लिया, हमने लाफिंग बुद्धा किया था, उसके अलावा पोखरान 2 टेस्ट कर दिया, तो अब दिक्कत क्या है? हम भी बढ़ाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान हमसे आगे क्यों रहता है? देखो, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना और उनको मेंटेन करना, उनको मतलब लिटरली आपको मेंटेन करना होता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़रा सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में ही ना यूएसए के खर्च हो जाते हैं $100 बिलियन के आसपास, और ये जो एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रुकिंग्स की जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया था, और ये एस्टिमेट 1990s का है, तो आज के समय मोस्ट प्रॉब्ली ये नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, $200 बिलियन क्रॉस कर चुका होगा। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, $100 बिलियन भी आप देख लो, ये हमारा ऑयल बजट है, इतने का ऑलमोस्ट ना मान के चलो, हमने काफ़ी बार कच्चा तेल परचेज कर रखा है पूरे साल का। तो हम लोग अमेरिकन्स की तरह, रशियंस की तरह, रशिया का तो खैर मैं कहूँगा इनको विरासत में मिले हैं बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर के टाइम से, और जो इनका मेंटेनेंस सिस्टम है ये भी रिलेटिवली आप कह सकते हैं काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अमेरिकन्स, पर इंडिया भी अगर मान लो 500 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखता है, स्टॉक पाइल में रखता है, तो हमें भी आराम से 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास हो सकता है खर्चने पड़े, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ये आप समझ सकते हैं एक बहुत ही बड़ा खर्चा है, लिटरली हमारा आधा डिफेंस बजट ही है। आप अगर देखो हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है $75 बिलियन के आसपास है। तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को रखना खर्चे का सौदा होता है, तो इसलिए इंडिया ने अभी भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल इतना बना रखा है कि कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आती है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने हो तो हमारे पास वेपन्स रहे। बट हमें ये क्वेश्चन इवेंचुअली खुद से पूछना होगा, क्या ये नंबर काफ़ी है इंडिया की पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए एशिया में, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ कहीं और ही जा रहे हैं। हम लोग जहाँ पे हैं, अगर मान लो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ 2030 तक हमारे टोटल न्यूक्लियर वेपन होंगे मे बी 210-220 के आसपास, चाइना 1000 के ऊपर पहुँच चुका होगा उस वक्त, जो डिफरेंस है ये बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमें एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है इसमें भी एक्टिव रहना होगा, और धीरे धीरे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इंक्रीज करना होगा। अनफॉर्चुनेट बात है, ये हमें करना पड़ेगा, बट जब आपके आसपास कंट्रीज ये कर रही हैं तो इवेंचुअली यू हैव टू फॉलो। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि इवेंचुअली इंडिया को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिस इज़ इनफ, कल को वॉर वगैरह होती है तो इसमें से आधे भी इस्तेमाल नहीं होने, तो अभी के लिए दिस नंबर इज इनफ फॉर इंडिया। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो सही उत्तर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। और यहाँ पर आप देख पाओगे, देखिए ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही ज़रा खराब इवल है, कई बच्चों का बचपन बिल्कुल उजड़ जाता है बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, कई बच्चे मारे जाते हैं। तो अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाइएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, याद रखिएगा इसको। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.